जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी। कर्नाटक के पास एक छोटे से कस्बे में, गांव में, एक स्कूल मास्टर हुआ करते थे। बड़े शरीफ आदमी थे, अपने पेशे को बहुत सीरियसली लेते थे। उनके 8 बच्चे थे, लेकिन उनके 8 बच्चों में 5 नंबर का जो बच्चा था वो एक बड़ा चमत्कारी और कमाल का बच्चा था। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके भाव, उसकी अंदर की जो तमन्नाएं, उसकी आकांक्षाएं और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसका मेहनत करने का जज्बा, ये धीरे धीरे उभरने लगा। और अचानक जो है इस चमत्कारी बच्चे के हाथ जो है एक जादू का चिराग लग गया। जादू का चिराग लगते ही इस बच्चे ने जो है न सिर्फ देश में बल्कि सारी दुनिया में क्या क्या खलबली मचाई। दरअसल ये कहानी हमारे आज के मेहमान की, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मेहमान से मिलवाने के पहले एक छोटी सी झलक देख लेते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं। यहाँ देखते हैं। A clarity of purpose in everything he did. बहुत मेहनती हैं। A concern for all humanity. I remember him as always being ready to meet a challenge. उनके हर बात से उनके सिद्धांतों की झलक मिलती है। And above all, a great friend. कहानी आगे बढ़े उससे पहले जो है एक और बड़ी कहानीकार जो हमारी साथी हैं सोनाली जी, उनसे तो मुलाकात कर लेनी चाहिए। सोनाली जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। हमारे बहुत से खास कमरे में आप सबका स्वागत है। आज के मेहमान के बारे में जो भी कहा जाए कम है, और कोई बहुत बातें इस कमरे में भी होती हैं जिनसे हम आपको समय समय पर परिचित कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आज के मेहमान से। थैंक यू सोनाली जी, ऐसे मेहमान से मिलवाते हैं आपको हमारे बहुत खास, बहुत परिचित, बहुत मशहूर हिंदुस्तानी नारायण मूर्ति साहब। नारायण मूर्ति साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनरली हम करते ये हैं कि आपसे बातें करें उससे पहले आपकी जिंदगी की कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झलकियां जो हैं इस पर्दे पर देखते हैं। ये बताने की ज़रूरत शायद किसी को नहीं आज दुनिया में कि इन्फोसिस जो है एक ज़बरदस्त, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस स्टोरी के तौर पे हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में उभर कर आई है। लेकिन हर बड़े आदमी के साथ साथ एक बहुत बड़ी औरत भी होती है। नारायण मूर्ति साहब के साथ साथ भी सुधा मूर्ति जो हैं वो बिल्कुल कदम ब कदम रही हैं। एक बात करते हैं छोटी सी सुधा जी से। मूर्ति, डू यू रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन वी ट्रैवल टू दिल्ली टुगेदर, मेबी 5 ईयर्स बैक? We are not able to come together because of our travel dates are different. Our way of working has become different. We are in two different fields. Now you are going to Delhi, I heard, for a TV show. I wish I would have come with you, but if I come with you to TV show, it is very difficult because
I will talk about you a lot and it will be my show, then your show. I always feel that there are two people in your life, particularly these two women, who know you very well. One is Akshata, our daughter, a young girl, who can read your mind like a transparent sheet. The other one is me. I used to make fun of you that I'm always your safety net, and used to tell that that's true. Now, Murthy, you've grown so much, you don't require a safety net. You are a bird with two strong wings. You can fly anywhere, but the net remains the same. So am I. Is it not true? Murthy sahab, Sudhaji was saying that you don't need the net, but the net remains the same as does she. Aapke bhi apna opinion yahi hai. I think you need the safety net no matter how successful you are, how strong you are, what age you are at, because human mind is all about relationship. हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं और इसलिए कि कहीं आपको ऐसा न लगे कि सेफ्टी नेट आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, हम इस कार्यक्रम में भी सेफ्टी नेट को आपके बिल्कुल बगल में रखते हैं. सुधा जी, प्लीज तशरीफ लाएं. आइए आइए. हमने देखा कि अब जैसे ही सुधा जी अंदर तशरीफ ला रही थी, मूर्ति साहब के चेहरे का रंग जो है बिल्कुल खिलने लगा था. वो बिल्कुल उनकी उनकी पैल्पिटेशन की लेवल बिल्कुल ठीक होने लगी थी कि अब सुधा जी आ गई हैं, अब तो कोई खतरे की बात ही नहीं. तो सुधा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस द सेफ्टी नेट दैट यू ऑलवेज प्रोवाइड मूर्ति साहब. तो टेल मी सुधा जी, सबसे पहले आप मूर्ति साहब को कब मिली? मूर्ति साहब को मैंने पहले बार पूना में मिली, अक्टूबर महीना था वो 1974, और हमारे कॉमन दोस्त थे, प्रसन्ना उनके नाम, अभी वो विप्रो में चीफ है, विप्रो जी में. वो हर रोज़ एक बुक लाते थे, हम दोनों बस में ट्रैवल करते थे, मैं और प्रसन्ना, और बुक के पहले, किताब के पहले पन्ने में नारायण मूर्ति इस्तंबुल, नारायण मूर्ति पेरिस, नारायण मूर्ति काबुल ऐसे थे. हमने प्रसन्ना को एक दिन पूछा, क्या नारायण मूर्ति क्या बस कंडक्टर ऐसा कुछ है क्या, हर रोज इंटरनेशनल बस कंडक्टर ऐसा कुछ है क्या? उन्हें बोला, नहीं नहीं, नारायण मूर्ति तो मेरे दोस्त है, वो कर्नाटक के है और पेरिस में थे, उनका शौक ट्रैवलिंग और रीडिंग तो बहुत था, उनके बारे में ज़्यादा ऐसे बोलते थे, बहुत बुद्धिमान है. एक दिन वो अपॉइंटमेंट फिक्स किया, मैं और प्रसन्ना मूर्ति को मिले. इट वॉज प्रॉब्ली 10th of October 1974. तारीख वारीख सब याद है? I was expecting a man with, you know, very, of course, Murthy sir is very serious, but something different, you know. आप जैसे हीरो. ओके. और मूर्ति को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, एक कॉलेज स्टूडेंट है क्या, उतना यंग लगते थे. अब भी वैसे लगभग पोस्ट ग्रेजुएट जैसे ही लगते हैं. अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे लगते हैं. लेकिन जब आप लोग मिलते थे, जैसे आप और मूर्ति साहब, तो मूर्ति साहब अपने काम के अलावा किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखते थे? मतलब आप लोग जैसा, जिसको हम कहते हैं कि भाई डेट करने जाते थे, तो आप लोग कह रहे घूमने जाते थे, फिल्मों में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, बहुत साल या हाथ में हाथ पकड़ के गाने गाते थे? नहीं, ऐसा नहीं. अच्छा, गाने वाले नहीं आप करते थे ना? अच्छा, तो वी आर सिंग चश्मे बद्दूर टुगेदर, योर मूवी, देन वर यू आर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ चश्मे बद्दूर लाइक गिफ्टी एंड मी? नहीं, बट आई वांट टू शो यू सर्टेन थिंग्स व्हिच बोथ ऑफ यू विल डेफिनेटली लाइक. प्लीज लुक एट दैट स्क्रीन. Yeah, that's one of the park where we used to go quite often. before marriage. This is a restaurant we regularly used to go with less money. Cafe, good luck. आप लोग जब जाते थे, तो हमने ये सुना है, अब मूर्ति साहब बताएंगे ऐसा ही है या नहीं, हमने ये सुना है कि आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो ये होता था कि कुछ पैसे आप देती थी, कुछ पैसे मूर्ति साहब देते थे, ऐसा, जिसको हम कहते हैं गोइंग डच. नहीं नहीं नहीं, मोर ऑफन देन नॉट शी वुड पे फॉर बोथ ऑफ अस. मूर्ति साहब के पास पैसा कम रहता था,
इसीलिए हमने ज़्यादा देते थे. लेकिन मैं तो कुलकर्णी हूँ, कुलकर्णी माने साउथ में अकाउंटेंट, विलेज अकाउंटेंट के फैमिली की हूँ, इसीलिए हमने एक बुक रखा था, नोटबुक. मूर्ति साहब को इतना उधार दिया, हर रोज शाम को आके मैं लिखती थी, अरे आप 2 रुपये दिया, 4 रुपये दिया, ऐसा 4 साल किया. वो 4-5 हज़ार रुपये हमने उधार दिया. हम बोलते थे मूर्ति को वापस करना है, हम तो कुलकर्णी है. लेकिन हमारा शादी होया बाद में उनको मूर्ति साहब ने बोला, अभी मेरी तनख्वाही आपके पास है, वो 5,000 रुपये उससे निकालो. तो आप लोगों की शादी मूर्ति साहब कैसे हुई थी? व्हाट वाज योर मैरिज लाइक? इट वाज अ वेरी सिंपल मैरिज. हम दोनों इकट्ठे 2,000 रुपये, नो 800 रुपीज वी स्पेंट, एंड मूर्ति सेड 400 यू शुड पुट बिकॉज़ इट्स योर मैरिज. I will put 400 because it's my marriage. Well, and then she gave me a suit which was 1200 rupees. He had 500 rupees, he gave 400, I remember. And 100 he said for what? For he kept for future family together. Oh. Hum lete ek chhota sa break, lautte hain, baatein karte hain Murthy saab ke saath. वेलकम बैक. बातें हो रही हैं नारायण मूर्ति साहब से. नारायण मूर्ति साहब की कुछ बातें जल पुणे के दिनों की, कुछ और दिनों की सुधा जी ने बताई, लेकिन हम जो है सुधा जी की मुलाकात से भी पहले की बातों पे चलते हैं. जब नारायण मूर्ति साहब स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या माहौल होता था वो देखते हैं यहाँ. मूर्ति, हमारे पुराने स्कूल को देखेंगे, यहाँ हेडमास्टर का कमरा हुआ करता था ना, यहाँ मॉर्निंग प्रेयर किया करते थे और बीच बीच में बातें भी करते थे. मूर्ति, तुम्हें याद है ये 9th स्टैंडर्ड क्लासरूम, तुम यहाँ बैठते थे और तुम्हारे पास वो आर चंद्रशेखर बैठता था और मैं यहाँ बैठता था. ये है स्कूल का स्टेज, लेकिन हमारे लिए यही ब्लैक बोर्ड. और मूर्ति यहाँ ज्योमेट्रिकल थ्योरम किया करते थे. For a fact that you were a very bright student. मैं इसका सबूत देने के लिए पेश करता हूं प्रभाकर जी को खुद. प्रभाकर जी आइए आइए. प्रभाकर जी, आप उन दिनों से मूर्ति साहब के साथी हैं जब आप लोग साथ स्कूल में पढ़ते थे. शुरू ही से मूर्ति साहब के बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स में गिने जाते थे, बहुत सीरियस स्टूडेंट्स में गिने जाते थे. बिल्कुल, मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे था. आज जो मैं प्रोफेसर हूँ इन्हीं के बदौलत, कोई शक नहीं है. वेलकम बैक. हम बातें कर रहे हैं नारायण मूर्ति साहब से. मूर्ति साहब से हम दरख्वास्त कर रहे थे कि वो हमें कोई छोटा मोटा गाना गा के सुनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि गाना वो सिर्फ अब सुधा जी के लिए ही गाते हैं, और जब सुधा जी और वो अकेले में हो तभी गाते हैं. और सुधा जी ने भी लगभग कुछ हाँ में ही सर हिलाया, तो फिर मैंने बात को जो है ज़्यादा तूल नहीं दिया. तो हम वो बात जो है अगले प्रोग्राम के लिए मुलतवी करके फौरन ही बुलाते हैं प्रोफेसर कृष्णैया साहब को. Thank you for being here. कृष्णैया साहब, आपकी और मूर्ति साहब की जान पहचान कब की है और कैसे शुरू हुई? It was 1970 at the IIT Kanpur, and his professors, who was it, Mahabalan, Rajaraman, they helped me put up a notice and so forth, and I had maybe 6 people to interview. He impressed me very greatly with what he had done. उन 6 में से नारायण मूर्ति साहब भी थे. Yes. क्या what did you offer him? I've forgotten the figure, it would have been fairly low, but it was whatever we were giving to research associates at the IIM at the time. 800 rupees per month. Murthy saab doesn't forget such things. He says it was 800 rupees. Princely sum to offer. Absolutely. Absolutely. Jab inhone kaha ki aapko 800 rupees milenge, to aapko kya duty hours aapke kya the ya kya aapko karna padta tha? No, we you see, there are a lot of good things that I learned from him. Frankly, I would say if there's one person that has shaped my life so much,
I mean, I still remember when I was in Paris, he came there and he just picked up the phone. He said, he called UNESCO head and said, this is Professor Krishnaya. I don't know if that fellow knew who Professor Krishnaya was, but... Namaskar, welcome back. Narayan Murthy saab se baatein ho rahi hain aur fauran hi hum स्टेज पर दावत देते हैं इनके एक और पुराने दोस्त को जो इनके साथ बॉस्टन यूएसए में हुआ करते थे. तशरीफ लाइए प्लीज माने साहब. माने साहब बहुत संक्षिप्त में हमको बताइए कि आपके जो है ताल्लुकात मूर्ति साहब से कहाँ के हैं और कैसे. पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने हमें काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है. मेरा काम ही है मानक साहब लोगों को कंफ्यूज कर देना. मूर्ति साहब का काम है डी कंफ्यूज कर देना, इसलिए मैं आपको मूर्ति साहब के बारे में पूछ रहा हूँ. ये एक अजीब बात है कि आज तक हमें पता नहीं चला कि मूर्ति साहब बड़े आदमी हो गए. अब यहाँ आके ऐसे लगता है ना कि वो बड़े आदमी हो गए लेकिन हम भी उसके साइड में बैठ के कुछ उनका जो एंजॉयमेंट ले रहे हैं बड़े आदमी होने का. जी बिल्कुल, हम सब यही कर रहे हैं. लेकिन बॉस्टन का आपका तजुर्बा इनके साथ कैसा रहा? वो एक ही चीज़ है जो उनके लिए मुझे बहुत ही आदर है कि बहुत पेशेंट है और उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया और काफ़ी दिनों महीनों, तो ये कोई छोटी बात नहीं है. मतलब आपके हाथ का खाना खाना वाकई पेशेंस की बात. वाकई पेशेंस की बात है मूर्ति साहब, ये सही बात है. नहीं लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं भी बहुत पेशेंट हूँ जी. मैंने भी इनके हाथ का खाना खाया. तो किसकी पेशेंस ज्यादा है इसका चर्चा कहीं और करते हैं. मैं दावत देता हूँ फौरन उदय मालेकर साहब. उदय मालेकर साहब मोदी साहब. वेलकम बैक. एक इतना सक्सेसफुल आदमी जब ये बुनियादी उसूल हमको समझाए तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ये कि हमारी ज़िंदगी का एक उसूल हो जाना चाहिए लेकिन इसको कॉमन वैल्यू सिस्टम में हमें शामिल कर देना चाहिए. जब नारायण मूर्ति साहब के बिज़नेस की बात चलती है तो जाहिर है कि कुदरती तौर पर इन्फोसिस की बात आती ही है. मूर्ति साहब, इन्फोसिस की शुरुआत उसकी बिगिनिंग जो है वो कहाँ से हुई? हमने पुणे में 1981 में शुरू किया वो हमारा बेडरूम में. जुलाई सेवन्थ वॉज द डेट व्हेन द कंपनी वॉज एक्चुअली फाउंडेड. वी वर सेवन पीपल, ऑल ऑफ अस वर सॉफ्टवेयर पीपल. वी हैड वेरी लिटिल मनी. वी पुट टुगेदर 10,000 रुपीज. 10,000 रुपए? यस. एंड आउट ऑफ द 10,000 व्हाटएवर माय पार्ट वॉज गिवन बाय माय वाइफ. She had tremendous confidence in me, I must say. And I'm also happy that I have not let her down. मैं सुधा जी से एक बात पूछना था. सुधा जी, ये इन्फोसिस के जो पैसे आपने कंट्रीब्यूट किए थे वो भी कहीं नोट किए हुए हैं या उसको भी आपने सोचा कि भाई अब इसको फाड़ फूड़ के छोड़ दें? शादी होने के बाद आदमी और औरत का एक ही हिस्सा होता है. टुगेदर दे मेक अ यूनिट. आई डोंट डिफरेंशिएट इट मूर्तिज मनी और माई मनी. एंड दैट इज द वे आई हैव लिव्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स. जब इन्होंने इन्फोसिस शुरू की तो क्या आपको कभी ये ख्याल है कि क्यों नहीं, जब व्हेन आई एम सो टेक्निकली कॉम्पिटेंट टू डू इट, व्हाई डोंट आई जॉइन मूर्ति साहब इन द बिजनेस? वो तो वेरी नेचुरल है मूर्ति साहब, पुट अ कंडीशन कि ऐसा नहीं कि बोथ ऑफ अस शुड और ऑन द बोर्ड इट इज नॉट करेक्ट. देन वो ऐसा लगता है कि मम्मी डैडी के कंपनी हो जाता है. एंड आई डेफिनेटली बिलीव it's a woman who can make a man. Man thinks he's very strong. No, it's a woman who is stronger than a man, who can lend her hand in all his difficulties. And whenever he's down, don't make demand and tell him, don't worry, you go ahead, I will look after. That's much more contribution than to be on the board. Achha, chunke Infosys ki baat chali hai, Infosys ke baare mein kuch visual message hum dena chahte hain yahan is parde par. Sir, I would like to share a couple of incidents that have
have influenced me very much. The one when there was a TV crew here to interview you, after they had finished the interview in the campus, they wanted to take you to the construction site where where our campus was being expanded. At the entrance of the construction site, there was a security guard. He was new and he had not seen you earlier. He stopped and asked for your badge and started asking whether you're an employee or not. Then a fellow Infosian who was passing by told the security guard that you are not an employee but the employer. Then the security guard was so scared that he had prevented the chairman from entering into the site. But you went to him and told him that you greatly appreciated the commitment that he showed to his work, and he was following the rules so strictly. All the rules which apply to other Infosians also applies to you, like simple things like when you make a personal call to your daughter in the US, we deduct it from your salary. Sir, आपका पास में आने के टाइम पे मेरे पास तो कुछ नहीं था. अभी तो मैं इंफोसिस में काम करने के बाद, आप लोगों के साथ में काम करने के बाद, अभी तो मेरा को बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. मेरा बच्चा लोग पढ़ रहे हैं और मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, सब कुछ मैं खरीदा. अभी मैं बहुत खुश है. थैंक यू सर. आपके बारे में आपके एक और दोस्त हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपसे भी कहना चाहते हैं, यहाँ पर्दे पर. मुझे याद है जब मैं नया घर ढूंढ रहा था, आप मेरे साथ आए थे और मैंने आपको एक कमरा दिखाया जहाँ मैं घर देख रहा था और वहाँ सर्वेंट रूम में विंडो नहीं था. मैंने ये बात नोटिस नहीं की मगर आपने इमीजिएटली नोटिस की और आपने बोला एक घर कैसे हो सकता है जहाँ सर्वेंट रूम में विंडो नहीं है. आपने ज़रूर ये घर लेना नहीं चाहिए, आपको ये बदलना चाहिए. मूर्ति, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है मैं नहीं आ सका, मगर हमारी फ्रेंडशिप जो है उसका मैं बहुत बहुत वैल्यूएबल. मूर्ति साहब, चूँकि आपकी पर्सनल ट्रेट्स और आपकी जाती खूबियों की बात चली है, तो एक और आपके मिलने जुलने वालों से, एक बहुत आपके करीब के रिश्ते रखने वाले से एक शख्स को बुलाना चाहता हूँ और वो आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं. प्लीज पधारिए ईशर आहलूवालिया जी. ईशर, व्हाट अ सरप्राइज, हाँ, गुड. आइए ईशर. नाउ द डे इज डन. ओह यस, आइए आइए. ईशर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई. मूर्ति साहब के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें बताई, मतलब प्रोफेशनली भी, कुछ पर्सनली भी. हम जानते हैं कि आप मूर्ति साहब को प्रोफेशनली तो खैर सभी लोग जानते हैं, लेकिन पर्सनली आप इनके बारे में वो चीज़ें जानते हैं या फैमिली के बारे में जो कम लोग जानते हैं, तो क्या आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? ज़रूर, प्लीज़. मेरा इस परिवार से ताल्लुक़ पीछे 5 साल में रहा है. सक्सेस तो बहुत लोग कर सकते हैं और इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट भी बहुत लोग हो सकते हैं, पर इन दोनों चीज़ों के साथ जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को इंटैक्ट रखना, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि किस तरह आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं. और इनके बेटा और बेटी, जिनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आई थिंक दे आर द परफेक्ट प्रूफ ऑफ व्हाट नारायण मूर्ति एंड सुधा आर ऑल अबाउट. सुधा का इक्वल हाथ सुधा जी, आप यहाँ तशरीफ लाएं, क्योंकि जितना की चूंकि आपकी भी बातें हो रही हैं जी, दोनों का मैं ये कहना चाहूँगी. अच्छा, मैंने ये सुना, सुधा जी शायद बेहतर जानेंगी इसके बारे में, कि आपके पुत्र जो हैं, सुपुत्र रोहन, वो अपना नाम लिखते हैं रोहन एन. रोहन एम. एम. अच्छा, तो मतलब व्हाट इज द पर्पस फॉर राइटिंग दैट ही डजंट राइट रोहन नारायण मूर्ति. बोथ ऑफ देम फील व्हाट दे डिजर्व दे शुड गेट, नॉट बिकॉज दे आर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति चिल्ड्रन, दे आर वेरी कॉन्शियस. वंस कोई आया था पत्रकार, मेरा बच्चा बिशप क्वार्टर में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा है वो कंप्यूटर साइंस में, ऐसे ही उसको बातों में वो पूछ लिया कि आपके पिताजी किधर काम करते हैं. रोहन ने बताया वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उन इंडस्ट्री का नाम क्या है. रोहन ने बताया वो इन्फोसिस है. उधर क्या काम करते हैं? हाँ, उधर एक इंजीनियर के मुताबिक काम करते हैं. मूर्ति इज थर्ड चाइल्ड,
is Infosys. In fact, I remember when I visited Bangalore, he gave me a tour. And then he wanted to buy me some coffee, dipped into his pocket only to find he had no money. So he said, will you give me money to buy you coffee at Infosys? So I thought that was very charming, you know. And as you rightly said, it's the third child. And the third child is also being brought up with fabulous values and getting ready to run its own marathon. Absolutely. Is bahut khoobsurat note pe ek chota sa break leke lautte. Jeena Isi ka naam hai ke is segment mein aapka fir se swagat hai. नारायण मूर्ति साहब से बातें करते करते जो है आदमी कभी कभी अचंभे में पड़ जाता है और आदमी मजबूर हो जाता है उन पहलुओं पर भी गौर करने के लिए जो मूर्ति साहब खुद बताना कम चाहते हैं, सुधा जी बताना कम चाहती हैं, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत भी है. एक झलक उसकी पहले देखते हैं पर्दे पर और फिर बातें करते हैं उसकी. इन्फोसिस फाउंडेशन जिसकी एक झलक हमने यहाँ देखी, वो ऐसी कई संस्थाएं चलाता है जहाँ बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की पढ़ाई की, दवाइयों की और कई ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होती हैं. और चूंकि ये जो है मूर्ति साहब और सुधा जी मिलके चलाते हैं, तो मैं सुधा जी से भी दरख्वास्त करूँगा कि सुधा जी आप यहाँ आएँ ताकि हम आपसे दोनों से बैक वक्त और बराबर बातें कर सकें. हु स्टार्टेड दिस फर्स्ट? ये मतलब इनके पास इतना वक्त निकला या आपने पहले वक्त निकाला? आइडिया तो दोनों ही का था, लेकिन पहले किसने किया? There's a small story behind that. 6 साल पहले मेरी लड़की 16 साल की थी, वो एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाती थी और उसको सेंट स्टीफन में एडमिशन मिला. और उसने मुझे पूछा, अम्मा उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? मैं बहुत मार्च महीना तो परीक्षा का काल है, बहुत बिजी थी मैं. हमने बोला, अरे अक्षता आप कर सकते हैं. और वो नाराज़ हो गई और 16 साल की थी और बोल दिया, अम्मा आपको भी 45 ईयर्स है, इस उम्र में आप क्या देख रहे हैं, आपका इरादा क्या है, आपका गोल्स क्या है, एंड इफ यू कैन नॉट डू फिलोसफी देन डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू डू. एंड देन आई डिसाइडेड आई शुड डू समथिंग फॉर आवर पीपल. मीन टाइम आई अप्रोच मूर्ति फॉर दिस. इस समय इन्फोसिस में वो सोच रहे थे कि इन्फोसिस से हम एक डिविजन करा देंगे, इन्फोसिस फाउंडेशन, वेयर वी वर्क फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. आदमी के पास एक सर्टेन लेवल से ऊपर पैसा होने की एक बड़ा एडवांटेज, एक बड़ी खुशी ये है कि आदमी जो है लोगों की मदद कर सकता है. तो इज दैट मूर्ति साहब लाइक अ बेसिक फिलॉसफी विथ यू, बिकॉज यू आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अ वेरी वेल्दी मैन. यू नो आई थिंक एज अ पर्सन हु स्पेंट हिज फॉर्मेटिव ईयर्स एज अ लोअर मिडिल क्लास पर्सन एंड दैट्स व्हेन योर पर्सनालिटी गेट्स बिल्ट अप बाय एंड लार्ज, आई थिंक वी डोंट हैव टू मच नीड फॉर मनी. सर्टेनली हैव नीड. यू नीड टू need a comfortable life, let there be no doubt. You need to send the children to the best school possible, all that is there. But beyond that, I think money gives you an extraordinary power, and that is the power to give it away. There is somebody who has something very nice to say about you. Most people have nice things to say about you. He conveys a message by coming here and saying it himself. So we have Pattabhi Raman sahab, please aaye padhaiye. What I was wanting to know is how has Murthy Saab or Infosys or Sudha ji influenced you personally on a person to person basis? The way he is living, I started imbibing that as well as Mrs. Murthy in my personal life. Okay, what they do? Mr. Murthy creates wealth, number one, and he shares the wealth to others, and he leads a simple life. To whatever extent possible, I started imbibing that.
तो सुधा जी ने आपकी जान पहचान पत्तवी रमन साहब से कैसे? एक दिन मुझे एक खत आया, खत में 3.5 लाख का ड्राफ्ट था और छोटा सा कागज का टुकड़ा। मेरा नाम पत्तवी रमन है, मैं आपको 3.5 लाख का एक चेक भेज रहा हूँ डिमांड ड्राफ्ट, और ये आपके आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन आप आपके काम में ज़रा मदद होगा। मुझे तो अजीब लगा, नेवर एवर हैव मेट हिम बिफोर, आई डोंट इवन नो हिम। माय कॉन्फिडेंस माय ऑप्टिमिज्म इन दिस कंट्री इज हाई बिकॉज ऑफ पीपल लाइक हिम। मूर्ति साहब, हमारी एक बड़ी प्लेजेंट प्रैक्टिस है कि जब हम अपनी बातचीत जो है करीब करीब ख़त्म कर लेते हैं तो हम एक दूसरे का मुंह मीठा भी करते हैं। और चूंकि आपको शकर वगैरह खाने से कोई परहेज तो है नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि हम जो है थोड़ा सा मुंह मीठा कर लें। प्लीज़ मूर्ति साहब के लिए जो है कुछ मुंह मीठा करने का सामान हम लाएँ यहाँ। तो अपने करियर में, अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में कम लोग होते हैं जो इतनी कामयाबी हासिल करते हैं कि फिर उनको साधारण आदमी ऐसे देखता है सर उठाकर, जैसे आसमान के चांद सितारों को ज़मीन पर रहने वाला देखता हो। उनमें से भी बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिन्होंने वहाँ पहुँचने के लिए अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी दयानतदारी के साथ ज़र्रा बराबर समझौता नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब उनको आदमी देखता है तो अपने आप इज्जत से, आदर से सर झुक जाता है उसके आगे। नारायण मूर्ति साहब को देखकर एक बार नहीं 100 बार कहने को जी जाता है, जीना इसी का नाम है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आदाब।